देखो स्कूटी वाला मार दिया मेरी गाड़ी पे। दुनिया में आया था फोर जो पापा है उनको पता। क्या हुआ, मैं वहाँ पे बैठा फिर एक घंटे में, और आज खाना बनाना सीख लेते हैं। ये जीरा है नहीं, ये ऐसे मिलाना है। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं पीर बाबा के दर्शन करने के लिए, तो चलते हैं करते हैं। बहुत दिन हो गया गए भी नहीं, मम्मी भी जाएगी साथ में, तो चलते हैं करते हैं। अरे क्यों नहीं बैठता अच्छे गाड़ी पे, क्या बात हो गई? आजा भाई आजा, चले चले। तो चलते हैं, अब करते हैं आज पीर बाबा के दर्शन, और मम्मी को भी ले जाते हैं। मम्मी घर में अकेले रहते हैं, मम्मी तू भी चल घूमने क्या मेरे? हाँ घसीट के नहीं रहता मम्मी। मम्मी को भी दो तीन दिन से घुमा रहा था। तो चलते हैं, आप मिलते पीर बाबा पास में ही, हमारे ज्यादा दूर नहीं है, पास में सीपी में, सीपी वाले चल गए करान प्लेस में ना, वहाँ चलते हैं। देखो है ना, ये इसकी टांग देखो बकरे की, सोया हुआ है क्या ये? तो आ गए हम सीपी करनाट प्लेस। तो गाड़ी कर दी है पार्क, और ये देखो स्कूटी वाला मार दिया मेरी गाड़ी पे भाई। इनका कोई भरोसा नहीं, कहाँ से घुस जाते हैं ना ये। चले मम्मी, आ गए पीर बाबा के पास। चलो मम्मी आ जाओ जल्दी, तो बस 11 की टोकरी ले लो। ठीक है, ये बस 11 का रुपये, चादर भी ले लेते चले। देख रेख करते हो ना? देखभाल करता हूँ बाबा का, मेंटेनेंस जो बोलता है वो मैं करता हूँ, पूजा पाठ मैं चढ़ाता हूँ। हाँ रोज का मैं हूँ, बीस बार हमारा दो तीन सेवादार और रहता है, जैसा ये है जो ये सब आते हैं। दुनिया में आया था 400 BC बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। पीर दुनिया में आया था इसलिए जो दुनिया को भला करने के, अल्लाह या भगवान या गॉड जो बोलो, उनका कहते ना एक, जैसे आप सर्विस करते हो तो आपके ऊपर कोई बॉस है, तो ये इनको बोले जब आपका बॉस अच्छा लगा कि भाई ये लड़का अच्छा काम करते हैं, तो इनको और ज़्यादा तरीके होना चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने बोला चलो मेरा काम तो कर ही सकता, तो इन्होंने क्या, इनको नोबी बोलता, कई लाख नवी था, नवी में से एक पीर आता है दुनिया के अंदर। इनका पीर कभी जुड़वा नहीं होता, पीर हमेशा उसमें होता है, चार पांच पीर, नौ पीर, सात पीर, तेरह पीर, पीर कभी जुड़वा में नहीं है। ऑल ओवर द वर्ल्ड के पीर की जो देखभाल करा, खासकर हिंदुस्तान के अंदर, ऑल ऑफ देम हिंदू, क्योंकि हिंदू ज़्यादा प्रेफर करते, और मुस्लिम लोग इनको बड़ा बुजुर्ग, जैसे जैसा हमारे घर में नाना है, दादी है, दादा है, उनको टेक केयर करते हैं, ऐसे वो लोग इनको ऐसे ही मानते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट यह है, खासकर हमारा लेडी हार्डिंग दरगाह इन द ईयर 1940 ने दरगाह है, ओके, 31 अप्रैल हॉस्पिटल 18 में बनाई है, 16 में 1980 पीर आया 14 में, पीर सबसे पहले, क्योंकि पीर 1940 में आया। ये पांच भाई का दरगाह है, ये एक ए भाई है, एक आपका महादेव रोड में है, एक हमारा आगे अंधा आश्रम है, एक वो पीछे है, और एक है बिल्कुल महादेव रोड के ऊपर। ये पांच भाई का हो गया, ये भूरेश, ये नवी परिवार से बिलोंग्स करता है, रिलेटेड टू निजामुद्दीन औलिया, इनसे रिलेटेड है ये। इनके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता, 30 साल 40 साल आने से नहीं होता। 360,000 आदमी हमारा इस दरगाह में आता साल में, 360,000, और हर एक का कुछ ना कुछ मान्यता पूरा होता है, तभी लोग आते हैं यहाँ। आस्था रखने वाले को ऐसा नहीं है जो रोके गया, अगर रोके आया तो हंस के गया, ये दरगाह का ही है। दूसरा हमारे बाबा ब्रह्मचारी है, पीर है और शहीद है, तीन गुण किसी दरगाह के अंदर नहीं है। जब ये हमारा लेडी हार्डिंग दरगाह आया था यहाँ, तो कुछ भी नहीं था, यहाँ जंगल था, आज यहाँ मंगल भी आप यहाँ देख रहे हो, सब मेरे हाथ का काम किया, सिर्फ बाबा का स्थान था वो भी टूटा मूटा। ये आपका जो पापा है उनको पता है कि मैंने क्या कर्म करा, नोट मैंने लिया नहीं, वोट मैंने दिया नहीं, वोट भी नहीं दिया कभी, अंडो नोट मैं किसी आपका पापा, पढ़ाई मेरा इंडियन अकेडमी है, कॉलेज मेरा जकीर हुसैन है, पर्सनल मेरा पंडारा रोड है, सर्विस मेरा दिल्ली में, तो मैं बाहर का कहीं से नहीं। लेकिन बात क्या चमत्कार मेरे साथ ये हुआ,
ये मैं तो सेवा करने के आया था, मैं पता नहीं बाबा क्या पता मुझे कोई मकसद नहीं था, इज्जत कमाने जानता हूँ और इज्जत देने जानता हूँ। जब ही दोनों एक इकट्ठे होंगे तभी मैं कामयाब होगा और ये मेरा कबूल करेंगे। मैं भक्ताई का भी खिलाफ हूँ, मैं ये सब चीज में नहीं मानता हूँ। तुम बड़ा बड़ा भक्त तो हमारा जेल में पड़ा हुआ, आसाराम बापू, चंदा स्वामी, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, राम रोई, सोनी देव, एक कुसंस्कार जो है इसको मैं बिल्कुल मानता नहीं है। तबीज पढ़ो कभी पढ़ो मन, मेरा पैर छुएगा तो मैं पाप करूंगा, मेरा माँ बाप का कर्म सही रहेगा तो मैं बेचैला रहूं, ये भी बता दूं। ब्रह्मचारी आदमी ये बात नहीं है, मैं कहीं धक्का खाया तो शादी नहीं किया, ये भी बात नहीं है। कॉलेज लाइफ पार किया, स्कूल लाइफ पार किया, मैनेजमेंट पार किया, सर्विस पार किया, बाबा कुछ तो मेरा अंदर गुण देखा बाबा, तभी तो बाबा लाया। समझ रहा हूँ, हाँ समझ गया। काफी सारी तो बातें हो गई, सेवादार हो ना आप यहाँ पे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आलोक बोस है, बोस मेरा कास्ट है। आलोक बोस, अच्छा आलोक बोस है इनका नाम। काफी सारी बातें, आप सब भी वीडियो देखना, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो, काफी सारी जानकारी मिली है पीर बाबा के बारे में, जो काफी सारी जानकारी नहीं मिल पाती है ना, काफी सारी उन्होंने जानकारी दी है। बाकी अब इनसे लेते हैं विदा और चलते हैं घर। और काफी एक बात और आपको करूंगा मैं ब्रेक करके, ये यहाँ मान्यता इसलिए है, आप बाबा कुछ नहीं मानता, बाबा सिर्फ प्रेम का भूखा है और खुशबू का भूखा है, बाबा कुछ नहीं चाहते हैं, मांगते हैं। अगर प्रेम से कोई पुकारता है तो सुनते हैं, बाबा उनको सुनते हैं, और खुशबू दोगे तो बाबा बड़ा खुश होता है। ये बाबा का बहुत बड़ा चीज है, ये सब बेकार चीज है। बाकी इनसे बात करने के लिए, बाकी आप वीडियो देख रहा, वीडियो काफी अच्छी लगी क्योंकि पीर बाबा के बारे में यूट्यूब पे इतनी जानकारी है जितनी मुझे अंकल जी ने दी है जानकारी, थैंक यू अंकल जी। ना जाने क्या बना दे मेरे पीर की निगाह, मेरा पीर बादशाह है, मेरा पीर बादशाह है, मेरा पीर शहंशाह है। यहाँ से पीर बाबा के दर्शन कर लिए, काफ़ी अच्छी जानकारी भी थी मुझे, जो यहाँ के सेवादार है आलोक बोस नाम है इनका। बाकी मम्मी चल अब चलते हैं यहाँ से, तो काफी अच्छा है। बाकी वहाँ पे बोल रहे थे ना कि नहीं फोटो नहीं लेना, जानकारी नहीं दे रहे थे, कह रहे संडे को आना, ये नहीं है, लेकिन पता नहीं ये क्या क्या हुआ, मैं वहाँ पे बैठा फिर एकदम से बुला लिया, कह रहा क्या जानकारी चाहिए बताओ, मैं कहा बस जो भी जानकारी पीर बाबा के बारे में देता, तो फिर देने ही लगे ना, एकदम से बुलाया एकदम से देने लगा कि अच्छा ये जानकारी है, वो जानकारी। रोड पे जो घड़ी है ना उसका टाइम देखो कितना हो रहा है। Push me behind to get me from my better side. I wanna push you back, but that's all you want. Wanna ride. तो गाड़ी करती पार्क और डॉटी घर, और बहुत गर्मी है ना, और गर्मी तो कुछ ज्यादा है दिल्ली में, लगता है एसी की सर्विस करवानी पड़ेगी। तो आज बनाएंगे हम खाना और टाइम हो चुका है 7 बजने वाले, अब चलते हैं किचन में और आज खाना बनाना सीख लेते हैं यार, कल को दिक्कत हो जाए तो फिर सीखते हैं। मम्मी आज हम बनाएंगे खाना, चलो अच्छी बात है, सीखो काम आएगा। हाँ भाई सीख ही लेते, चलो मम्मी हमें बताया जाए कि क्या करना है पहले, क्योंकि आज क्या बनेगा मम्मी? आज बनाऊंगी मैं साबुत मूंग का दाल। हाँ तो सीख लेते हैं भाई, तो बनेगा दाल ना मम्मी, इसका दाल बनेगा, तो लेते हैं पहले कुकर। चलो मम्मी इतना तो चलेगा नहीं, एक चम्मच पूरी डाल, एक चम्मच पूरा तो भैया एक चम्मच लेना पड़ेगा, कर दो उससे चला। ओके ओके ओके, तब तक हमारा ये एक सीटी देखना, हमें दो सीटी देगा, तब तक हम ये सब काट लेते हैं जो इसमें दलेगा दाल में, हमारा मिर्ची टमाटर प्याज सब काट लेते हैं। छोटा छोटा काटना, कैसे काटना है? बारीक बारीक, हाँ तो काटते हैं इसको, छोटा छोटा काटना है, बारीक बारीक तो काटते हैं इसको। काट के तो हो गई हालत खराब, आप काटते हैं टमाटर, बाकी तो मैंने काट दिया है और मम्मी ने कुछ काटा है। थैंक यू मम्मी, अब क्या करना है? अब इसको रख दो दाल, सीटी दे रहा, सीटी दे रहा, सीटी दे रहा, दे रहा। अरे ये कैसा सीटी है? तो अब ये सीटी दे दिया है, अभी एक सीटी दिया है, अब दूसरा सीटी और देगा, तो दूसरा सीटी भी दे दिया हमने, अब क्या करना है? इसको गैस बंद कर दो, इसको करेंगे फ्राई, तो इसके लिए हमने लिया है कढ़ाई। तो अब बस ये जीरा है, तेज पत्ता, मम्मी ने इसको पकड़ा, ऐसे करके डाल दूं?
तो हमारी दाल अब देखते हैं सीजा की दाल तो हमारी सीज गया सीज गया ना देखिए अब डाल देते हैं दाल इसमें आराम से ना सीख गया। अब बनाएंगे रोटी तो दाल तो बन गई इसको बंद कर देते हैं गैस अब इसको ढक देंगे थोड़ी देर दाल तो बना लिए अब बनाएंगे रोटी ठीक है मम्मी तो आटा ले लिया अब इसको चलते हैं आटा गूंदेंगे आ गया हमारा आटा और मम्मी बताइए कैसे कैसे करते हैं आटा गूंदे मम्मी अच्छा चलो मेरे लिए बनेगा वैसे रोटी तो कैसे बनाना मम्मी अब इसमें थोड़ा मैं पानी डाल दी आप मिलाओ उसको किसको ऐसे ऐसे से मिला दूं ऐसे मिला लाइफ में फर्स्ट टाइम आटा गूंदा हूं मैं इससे पहले कभी आटा नहीं गूंदा मैं तो यार आटा तो सान लिया लेकिन आटा सानने में ना हालत बिगड़ गई हाथ में बहुत भाई दर्द होने लगा अब बाकी मम्मी रोटी बना दे मम्मी रोटी बना देगी दाल तो बन गया बाकी खावा लेंगे अब खाना रोटी मम्मी ने बना दी अब खाते है खाना लेगा खाना दो मिनट में बना ले खाना बनाने कुछ नहीं है इतना हलो लेते मजा करो बट आ गया था आग आग सब आसपास आ गए थे चलो अब खाते हैं खाना तो आ गया हमारा खाना दाल का कलर देखो कलर देख के इतना अच्छा लगा था खाए कितना अच्छा लगेगा हमें खुद बनाया है इसलिए तो खाते हैं खाना ठीक है एडिटर बज चुके हैं 11:06 तो बस समाप्त अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो करो लाइक चैनल करो सब्सक्राइब गुड नाइट शुभरात्रि गुड नाइट बाय बाय शादी ना करने का मेरा ये डिसीजन 14 साल उम्र में था जब मेरा मम्मी जिंदा था We are 5 by the soul of the highly educated.